बेटा, जो तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तुम इनके सगे बेटे नहीं हो। हम लोग डकैती ढीलने गए थे, वहीं पे आपको पाया था। डकैती ढीलने गए थे, वहीं से मुझे लाए थे। हाँ बेटा, भगवान, मैं कितना भागा हूँ कि अपने माता पिता का नाम तक छोड़ो, चेहरा तक नहीं देखा कि मेरे माता पिता कैसे हैं। मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। नहीं, नहीं। और तुझे ये भी बता देता हूँ, तेरा बाप तो इस संसार में जिंदा नहीं है। सुन, तेरा बाप इस संसार में जिंदा नहीं है और तेरी माँ तो अभी जिंदा है, वो मिल सकती है। लेकिन साले जब तुझे जिंदा छोड़ूंगा तब ना। तैयार हो जा मरने के लिए। पिताजी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैं हमें आपका हर मेरे पैर पड़ेगा। आपका हर एक मेरे पैर पड़ेगा। तू जा, आपका हर एक यहाँ से रिहा हो। पिताजी, आज जिसके पैर पड़ना वहीं पे जाकर मुझे छोड़ दो। पिताजी, नंबर एक को मारे साइया बचा सके ना कोई। तुम दोनों बहुत सातिर बदमाश, हमें पहचान लो। मैं वही सामन हूँ। तुम दोनों को कैद करने के लिए हमें सरकार से आदेश मिला। मेरा पारिवारिक मामला है। क्या साले झाटू, तुम लोग परवरिश करते हो गए बे? आए साले नक बढ़े, ओ साले, ओ क्यों तू कौन है? ओ उससे बात मत कर, दोनों को कट करो। जब्बू कट करो दोनों को। आज यहाँ तक कि तुम दोनों कुत्ते की मौत, यू आर अंडर अरेस्ट, जेल की हवा। कहाँ लगे जी? अच्छा, आप कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डगर डगर चलता आदमी हूँ। इन डाकुओं ने मेरा रुपया छीनने की कोशिश किया, रुपया छीनने की कोशिश किया। जब जब रुपया नहीं छीन सके तो मुझे गोली से मारने जा रहे थे। खैर, घबराओ नहीं, ये सामान पुलिस इंस्पेक्टर आ गया है। यहाँ कोई सी प्रकार का साहब आप नहीं आते तो डाकू लोग मेरी जान ले लेते। आइए,
इधर कौन वही जमींदार बैठे हैं लोग सिन पे गौर करें। अरे हेलो ननती चिरैया बन के आए गई हाय दैया ननती चिरैया बन के आए गई हाय दैया ननती चिरैया बन के चिरैया बन के आ गए हम चिरैया हेलो हेलो। और आप है संतोष कुमार, संतोष कुमार भाई साहब भबूसा की ओर से 11 रुपया आया था, बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारे अप्पा बैठे फिर नवनी के साथ द्वारे अप्पा बैठे बेटा, आपकी आंखों में आंसू बहते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री को मैं प्रणाम। बेटा अब तुम बोलो। मालिक, हम प्रैक्टिस कई तरह मान लो कल तुम मर्जी हो तो बोला हम तो बैठक से आसान पाए रहा है। बेटा आपकी आंखों में आंसू बहते हैं, आखिर बात क्या है? सुनिए ठाकुर साहब, किस लिए मेरे आंखों में आंसू? कहिए ठाकुर जी का कोई बताओ मुझे, गर्दिशों का सताया हूँ मैं।
तुम नौकरी की तलाश में आए हो। आज 5 दिनों में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला ठाकुर साहब। बेटा क्यों रो रहे हो? बहुत मुसीबत कमा रहा हूँ, क्या करूँ ठाकुर साहब। बेटा परेशान होने की बात नहीं है, मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूंगा। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है। मंगल, ठीक है बेटा, तुम्हें आज से समझो नौकरी मिल गई। हाँ, और वेतन आपका 1000 माहवारी होगा। इतना ही बहुत है ठाकुर साहब, दो वक्त की रोटी चल जाएगी, और क्या चाहिए इंसान को। लेकिन बेटा आज से तुम इस महल की देखभाल करना, तुम्हारी इजाजत बगैर कोई महल के अंदर प्रवेश ना होने पाए। और बेटा एक हमारा दुश्मन है, वो भी हमारी जेल में बंद है। हाँ, जरा उसकी कायदे से निगरानी रखना, ये जिम्मेदारी मंगल हम तुम्हें सौंप के जा रहे हैं। अच्छी बात है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब आप इसके बारे में चिंता ना करें, मैं इतना वफादारी से ड्यूटी दूंगा कि आपके ऊपर कभी आंच नहीं आने दूंगा, अपनी जान गवा दूंगा, लेकिन आपकी तरफ कोई आंखें उठाकर नहीं देख सकता है, क्योंकि एक हमारा भतीजा सावन था वो घर से भाग गया है, और इसीलिए वो हमारा कहना नहीं मानता था। ये बात है। और एक विशेष मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे कोई हरकतबाजी किया तुम हमारे पीछे पड़े हो। और बेटा अगर कोई हरकतबाजी यहाँ पे किया तो समझ लो ये ठाकुर मांस से बुरा कोई नहीं होगा। ठाकुर साहब अगर मेरे काम में जरा सी दखलंदाजी पाना तो ये सर इस गर्दन पे मत रखना। बेटा ठीक है, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। ठीक है, एक बार मंगल हमारे गले से लग जाओ। देखो भैया अब सारे कालिया कालिया गले मिले, अब बताओ सगा भतीजा मोर भागे। गौर करो गौर करो गौर करो, सगा भतीजा कत्ता अच्छा रहा है, वो नेक रास्ता चल रहा है, वो एक रास्ता उधरते खेत दिए, जो कालिया साला गलत रास्ता चलता है। अब कालिया काले मेल भवा है, अब देव भर धरती धर्म द्वार मांगी, देखो भैया कौन सार मरत है। मंगल साले को लान से तू लगा, ये जान लो कि धरती पे मुझसे लटा इंसान जन्म नहीं लिया। सही बात, अगर आप पैदा हुए होंगे तो आपकी आंखों में सुवर का बार है, अगर गौर से देखोगे तो शीशे में आपको दिखाई पड़ेगा। शायद मैं रोज देखता हूँ तुमसे काला, तुम ऊपर से भी काले हो, अंदर से भी काले हो, ऊपर से भी काले हो, नीचे से तब साले जानते हो पीछे से भी कि मेरी आंखों में सुअर का बाल है, क्योंकि स्मैक पीते हो। स्मैक पीता हूँ, रहन दो। कौन कहता है? आंखें लाल, आंखें सांप को गए थे ये आंखें लाल, जानते नहीं किस लिए है, किस लिए है, कितना क्रोध भरा है इस दिल में। और क्या, एक बात बताऊं, ठाकुर साहब ने बताया हाँ कि मेरी जेल में एक कैदी बंद है, उसको साले को लाओ, जरा देखो साला कैसा कैदी है।
वाह भगवान दादा दे मेरी माँ क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। और मुरली वाले श्याम, और मुरली वाले श्याम डालो पिपाती हमारी, मुरली वाले श्याम डालो पिपाती हमारी, मुरली वाले श्याम। लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि रात भर आप लोगों ने अपनी प्यारी प्यारी नींद को बर्बाद किया है। हमारा तमाशा मात्र आधे घंटे का है, आप लोग पूरा तमाशा देख कर जाइएगा, क्योंकि नसीहत यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। तमाशे का नाम बताया था चाचा और भतीजे की दुश्मनी, बचपन के बिछड़े भाई जहर का घूंट उर्फ डाकू कड़क सिंह, ये दोनों सगे भाई हैं लेकिन कोई किसी को नहीं जानता है। आप लोग सीन पर गौर करें, क्या ये दोनों भाई एक साथ मिल पाएंगी। ये दोनों भाई हैं लेकिन इनकी एक बहन राधा भी है। आप लोग सीन पर गौर करें, सीन पर गौर। हेलो, और आप है संतोष कुमार, संतोष कुमार हबूसा की ओर से 11 रुपए आया था, बहुत बहुत धन्यवाद। ओए घोंचू माली, सिंहासन पीछे कर, सिंहासन पीछे करो, आगे बढ़ो बरखुदार। अपने आप को बड़े हेटर लगाते थे, क्यों? देखा, मैंने कहा था कि जल में रहकर मगर मच से दुश्मनी अच्छी नहीं। सोचा था कि लड़की के बारे में लड़ जाऊंगा, लड़की को अपना लूंगा और मैं ऐसा पड़ा रहूंगा। क्यों माका दूध दे तो खोल के देखा चले। अरे माका वास्ता दियो, काका खोल देखो। हाँ खोल दे साले, हथकड़ी खोल देगा तो सोच ले, जिस तरीके से बगीचे में पहला था उसी तरीके से पहलेगा। इसकी धुलाई मैं करता हूँ। अपने आप को बहुत बहादुर लगाते थे, क्यों? क्यों नहीं? बांध के नहीं मारूंगा तो क्या ऐसे मारूंगा? कह रहे तुझसे कहता मैं कहते आ जाया हूँ पहाड़ के नीचे, तब मुझे पता चला पहाड़ काजल। अब हीरा को नहीं छोड़ूंगा, हीरा को मैं जब छोड़ूंगा जब तुम मुझसे प्यार करोगे। ओ काजल सोच लो,
तो ये तेरे यार की खोपड़ियां उड़ा दूंगा। काजल ये चुप रे साले, ये अगर काजल अपने आशिक की जान चाहती हो तो जो हमारे कल्लू कहते हैं इनका कहना मानो, इनको और मुझसे प्यार भरी करो और बढ़िया सा मूड बनाओ, हम लोग सिस्टम बनाए फिर चाहे जहां लेकर के जाओ। मंगल बोल काजल, अरे ऐसी बात है, तुम अगर जानी लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार करती हूँ। देखो मन ऐसे अच्छा ही है कि मैं काजल तभी देर किस बात की, एक बार गले से लगाओ यार। अरे मंगल देखो रंग में भंग क्यों डाले हो काजल, धोखेबाज मक्कार, अगर मैं तुझे जानता मैं तुझसे कभी प्यार नहीं करता, दिल में आता है कि अपने हाथों से साले हे हीरा पुष्पराज, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। हे काजल वाह ये टाटा स्टील बॉडी है, आओ इस पर जम के प्यार करो। काजल मंगल बोलो तुम जो कहोगे मैंने के लिए हीरा को बांध दे पहले। इका पहले बांध दे ना इधर पेल दे छुटा दे पहले हीरा को बांध दे, अभी काजल से बात करता हूँ। काजल बोलो देखो काजल, काजल मत करो, काजल आई है अपने मन से और अब जाएगी मेरे मन से। क्यों ना तू नहीं जाती, यह भय कुत्ता है। मैं जानती हूँ मुझे कुत्ता कहता है और आप मुझसे प्यार करती है, तुम्हें जरा सा तरस नहीं आता? ए काजल चुपचाप खड़ा रहे। अरे ओए मंगल ये बताओ कि क्या किया जाए। देखो काजल आज इस चिश्म में क्या होगा, हम लोग मूड बनाएंगे, हम लोग मूड बनाएंगे, मूड बनाएंगे। उसे मूड कहते हैं मूड, लेकिन मूड कैसा बनाएंगे? कैसा? आप मुझे शराब पिलाओगी, शराब दोनों लोगों को, उसके बाद में हम दोनों लोग जमकर ऐशो आराम करेंगे। और आगे से आजा चाहे पीछे से, चल तू एक बोतल शराब लेकर क्या। लो काजल ये इतनी नशीली है, ऐसे पिला दो कि ये नशे में चूर हो जाए। मंगल आज हम तुम्हें शराब पिलाकर और सीरा को जलाएंगे। बहुत अच्छी बात है काजल। और यार की है यारी निभानी,
हीरा काजल मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी, उस मंगल से झूठा प्यार किया, मेरी तो जान निकल गई थी। हीरा मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूँ। नानी हीरा देखो गंगा में सब हो गए हुड़ी टिटिरी बैठी तेरे इसको बात कर चलते हैं, यात्री कर चलते हैं तेरे हुए पानी में कबूतर आ आ आ कब सर से वो सर के और ये पादत हुआ मैं तेरी तेरे नाम इबादत मोहब्बत है हमें तेरी चुनूलती है अरे हाँ को पिन के चित चोर महावीर बजरंग बली चढ़े बबुर की जान तुम हम ते टूट रहे कलम्बिया मिया आ गया मोहब्बत की मोहब्बत है हमें तेरी खुशबत है आमीना के लालियो दुलखी दुला हेलो अब अति मोहब्बत है अरे मुझे तेरी अरी जरूरत है अरे मोहब्बत